भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। ये शब्द हैं पुणे के ईश्वर गायकर के, जिनकी टमाटर ने लॉटरी लगा दी। देश भर में जहां टमाटर की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, वहीं महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक किसान ने टमाटर बेचकर जैकपॉट हासिल कर लिया है। पुणे के जुन्नार तालुका के 36 वर्षीय किसान ईश्वर गायकर और उनकी पत्नी ने सीजन में टमाटर बेचकर 2.8 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2.8 करोड़ की कमाई। वहीं अब आने वाले दिनों में उनका लक्ष्य 3.5 करोड़ रुपए तक पहुंचने का है। 2021 में मेरे को 18-20 लाख रुपए लॉस हुआ है। 22 में भी मेरा खाली जितना भांडवल डाला मैंने पैसा खेती में, उतना ही निकला, लेकिन इसके वजह से भी मैं रुका नहीं। इस साल भी 12 एकड़ लगाया और उससे वो 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट गए, और उसको वो कैरेट को 770 से लगे 311 तक भाव मिला है अभी तक, उस हिसाब से मेरा माल गया अभी तक। तो कितना टोटल आपका इसमें, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए आपने मुनाफा कमाया, तो कैसे हो, क्या मुनाफा है, कैसे आपने कमाया? हाँ सही है सर, 2.8 करोड़ रुपए मैंने अभी तक कमाए इस खेती में। अभी भी मेरा माल बचा है ये पौध पर, अभी भी चलेगा 15 दिन टमाटर, और 6-7 तोड़े होंगे मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार कैरेट और जाएगा। जो लगभग कितना होगा इसका? लगभग पकड़े तो 3.5-3.5 करोड़ तक जाएगा मेरा सब। ईश्वर इस सफलता का राज बताते हुए क्या कहते हैं, सुनिए। खाली करते रहने का, भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। ये करते करने मैंने लॉस गया, एक दो साल लॉस गया, तभी तक मैंने राह नहीं छोड़ी, टमाटर लगाता रहा और इसका मुनाफा मेरे को आज मिल रहा है। ईश्वर ने अपने पिता से ये खेती की जिम्मेदारी ली, जिसमें अब वे अपनी पत्नी के साथ मिलकर काम करते हैं। इसका मुनाफा मिलने का कारण है मेरे दादा दादी की हमारी पुण्याई, हमारे पिताजी और माताजी का कष्ट, और मैं, हमारी बीवी और मेरा मेहनत, इसके वजह से मैं इतना ये टमाटर की खेती में सक्सेस हो चुका हूँ।